हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। व्लॉग मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाया है। यहाँ आने के बाद में शायद मैंने सेकेंड टाइम जो है बड़ा वाला व्लॉग बनाया। बाकी मिनी व्लॉग तो मैं बनाती रहती हूँ, बट आज पता है 15 डेज़ बाद मुझे ऑफ मिला है, फाइनली एक ऑफ मिला है। तो आज मैं फुल रेस्ट करने वाली, क्योंकि सफाई वफाई तो मैंने कल ही कर ली। सफाई का चक्कर ही नहीं रखा मैंने। कल ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, कपड़े वपड़े धो लिए, सब काम कर लिया, निपटा लिया। अब मैं सोचा आज मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी, जैसे कि व्लॉग बनाऊँगी, कुछ पढ़ूँगी, कोई नॉवल पढ़ूँगी, अपने कोई पसंदीदा मूवी देखूँगी, कुछ भी मतलब। पर अभी तो मैं 8:30 हो रहे हैं, मैं उठ गई, फ्रेश व्रेश हो ली हूँ, और अब मैं योगा कर लेती हूँ 10-15 मिनट, फिर मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी उस डॉक्टर सुमन के साथ। लेट्स तो गाइस, मेरी योगा हो गई है, चलो ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। तो मैं सुमन को बुला लेती हूँ, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ, आज स्पेशल पर्सन। रुको गाइस, ये है डॉक्टर सुमन पन्नू। देखो आ जा, थोड़ा दिल मजबूत कर, चल। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, पाव जो थोड़े से जल गए हैं, और ये बाजी थोड़ी जम गई है, और ये है सुमन। सुमन आपको थोड़ी देर में अपने कर्ली टेल्स दिखाएगी, अपने कर्ली बालों को इसने भी बांध रखा है। ये हमारा गार्डन है, ऑसम गार्डन है हमारा, ऑसम गार्डन। नहीं है क्या अपना गार्डन ऑसम? देख बिल्ली भी घूमती है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा गाइस आपको? बिल्ली अंदर चलते हैं, छाया में बैठते हैं। यहाँ हमारी सफाई वाली आंटियाँ गाने गा रही हैं, गीत गा रही हैं। सुबह से करेंगे हम, दोनों का ऑफ है। वी विल इंजॉय टुडे टुगेदर। ये रही, इसको इतना सिखाया कि कर्ली बाल कैसे रखते, कितना सिखाया। किसने सिखाया सुमन तुमको? तो आपसी पन्नू ने, आपसी पन्नू ने सुमन पन्नू को इतना सिखाया कि बाल कैसे रखते हैं, कर्ली हेयर्स कैसे रखते हैं। पर ये लड़की बाल धो के फिर में तेल लगा के इनको बना लेती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। करने का तो मैं अपने बालों में अभी तेल लगवाती हूँ, सुमन के पास जाती हूँ, तेल बालों में लगवाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं हेयर मास्क प्रिपेयर करूँगी। मेरे पास कड़ी पत्ते की जो ली, मेरे घर पर बहुत सारे कड़ी पत्ते हैं, तो मैंने उनको सुखा के पाउडर बना के लाई हुई थी, तो मैं उसको पानी में रख देती हूँ अभी, और फिर इसको बालों पर लगाऊँगी मैं। अब इसको पानी में डाल दिया मैंने, कड़ी लीव्स का जो पाउडर था, अब इसको मैं रख देती थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें अच्छे से घुल जाएगा, फिर मैं इसको बालों में लगाऊंगी एज एन हेयर मास्क। फिर इनकी 90s वाली रूम की लाइट, ऊपर से इसका लुक 90s वाला। क्यों अपना चेहरा छुपा रही हो? अभी इसके पास टाइम है गाइज, वरना ये पढ़ रही होती ना, मुझे तो डाउट है अभी भी, चश्मा लगा के कहीं रूम में पढ़ तो नहीं रही थी। अगर ये पढ़ रही होती तो इसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता। चल सुमन, दुखी मत, तेल लगा दे। तो गाइस, सुमन मेरे बालों में तेल लगा रही है, बस इसी टाइम पे मुझे इस पे सबसे ज्यादा प्यार आता है। पर इसको किसी भी चीज के लिए कह दो कि मैं मना नहीं करती है, शी इज ट्रू फ्रेंड। शक्ल दिखाओ अपने ट्रू फ्रेंड, पर ये शक्ल नहीं दिखाएगा। क्यों बोल रही है? मैंने अपने कर्ल्स नहीं खोल रखे हैं, ऐसे कैसे मैं कैमरे के सामने आ जाऊँ बिना कर्ल्स के? तो ठीक है गाइस, तेल लगवाते हैं। लव यू सुमन। तो मैंने इतनी प्यारी मालिश की है, मुझे नींद आने लग रही है बहुत तेज, और मैं यहाँ कपड़े भी उतार कर लाई हूँ सारे, कल धोए थे मैंने, अब मैं इनको जाऊँगी। सोम दीदी का भी कॉल आ रहा है, उनसे भी बात करूँगी, कपड़े समेटते हैं, फिर मुझे लगता है मुझे नींद आई, फिर उठ के मैं लगाऊँगी करी ली उस बालों में, पाउडर अपने भिगोया हुआ है, फिर मैं सर धोऊँगी, फिर देखती हूँ शायद लंच करने जाऊँगी। चलो अभी ये तो करते हैं। तो मैंने मास्क लगा लिया है, देखो बहुत गीला गीला लग रहा था, मैंने पहले तेल लगा लिया था, फिर तो मैंने मास्क लगाया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था, और ज़्यादा भी हो गया था पानी के लिए, थोड़ा गद्दा लग गया बालों में,
अब इसके आधे घंटे बाद मैं वॉश कर लूँगी हेयर को। तो गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और इसमें भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़े दिन सूखने का पता चले इतने अच्छे हुए क्या हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल, तो अच्छा लग रहा है। चलो खाना खाने चलते हैं अभी। तो ये है हमारा खाना और ये हमारी छाछ, तेरे को नहीं ले रही पागल। लेट्स ईट इट। तो गाइस मेरे बाल अब सूख गए हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसे हो गए हैं। मुझे अब आ रही है नींद बहुत ज़्यादा, मैं थक गई हूँ खाना खाते खाते भी थक जाते हैं, मैं उतने से खाना खाते थक गई पर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इतना जल्दी क्यों निकल जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। और जिस दिन जॉब होती है उस दिन निकलता ही नहीं आसानी से, 7 दिन और काम करना पड़ेगा फिर जाके कहीं और मिलेगी। तो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ और बाहर मौसम कभी बदल रहा है, कभी अच्छी हवा चल रही है, कभी धूप आ रही है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा मौसम हो रहा है। इसको बंदर, कितने बंदर हो रहे हैं। मेरी खिड़की है और मेरी खिड़की बाहर 3 बंदर और बंदर का बच्चा दिख रहा है, बच्चा वो देखो छोटा सा बच्चा। ओ इधर ही देख रहा है वो, माय गॉड ये कौन है, बंदर की मम्मी है क्या ये, पूरी एंटायर फैमिली आ रखी है। तो गाइस मैं बाहर आ गई वॉक करने के लिए और भयंकर मौसम ने आपको दिखाया है, ये कितना अजीब हो रहा है। एक तरफ सूरज आ रखा है और एक तरफ बादल हो रखे हैं, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। पर मेरी काफ़ी दिन से वॉक मिस हो रही थी, मौसम भी अच्छा था तो मैं चलो वॉक करने चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रोटी दाल सब्जी फली की और चावल, तो मैं इसमें आ गई हूँ गाइस खाना खाने के लिए। गाइस ये डॉक्टर रागिनी साहू जो कि निकाल रही है सब्जी के, ये सब्जी थोड़ी पकी हुई फली लेके आते ना ये लोग। ये कैमरा शाय पर्सन है, ये कुछ नहीं बोलेगी, बोल ना, अरे ऐसे बना रही डालूंगी बोल। ये टिपिकल लड़की है, भले ही ये टॉम बॉय लुक में हो पर ये टिपिकल है टिपिकल। नहीं खा, नहीं बंद करूंगी। तो गाइज मैं वॉक करके खाना खा के रागिनी के पास चली गई थी, उसके पास बैठी थी थोड़ा, वो मुझे कुछ नोट्स वोट दिखा रही थी, थोड़ा कुछ पढ़ा भी रही थी वो मुझे। और फिर मैं अभी उसके बाद अभी आई हूँ रूम पर। जब इन दोनों पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई तो कम बातें ज़्यादा हो जाती हैं, पर इस बहाने थोड़ी बहुत तो चलो पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब मैं नहा के आती हूँ फिर सोऊंगी। या तो तूफान आया ऐसा लगा जैसे बारिश भी होगी, पर सिर्फ तूफान आके देखे बारिश तो हुई नहीं। तो गाइस अब मैं सोने जा रही हूँ, ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी 1 घंटा, फिर उसके बाद में
मैं नहाने चली गई और पानी भी नहीं आ रहा था नहाने। फिर बहुत मुश्किल से नहाए, थोड़ा पानी का जुगाड़ किया, फिर नहा कर आई हूँ और नींद आ रही है। सुबह उठेंगे, जल्दी उठना भी है, जाना भी है, चलो सोते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई आपको सवाल पूछना हो मुझसे, कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन जाके कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लाइक्स, फॉर योर कमेंट्स। ओके, बाय।